एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वो नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और मुझे भी पीने के लिए दे दो। इतनी देर में सैनिक भी वहां आ पहुंचे। गौतम बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वो लड़की धीरे से बोली, महाराज मैं एक अछूत कन्या हूँ, मैं अगर कुएं से पानी निकालूंगी तो पानी दूषित हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने उस लड़की से फिर से कहा, बेटी बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा वहाँ आ पहुँचे। आपको मेरा प्रणाम है, आप इस अछूत कन्या से पानी क्यों मांग रहे हैं? यह लीजिए गुलाब के रस वाला पानी पीजिए। लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे पीने से इनकार कर दिया। गौतम बुद्ध ने एक बार फिर उस लड़की से पानी पिलाने को कहा। इस बार उस लड़की ने हिम्मत जुटाकर कुएं से पानी निकालकर पहले गौतम बुद्ध को दिया और फिर खुद पिया। गौतम बुद्ध ने पानी पीकर उस लड़की से पूछा, तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? लड़की ने गौतम बुद्ध को बताया, मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गाना सुनकर मुझे अपने गले का हार पुरस्कार में दिया, मगर तभी उन्हें किसी ने बता दिया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। और जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि मैं एक अछूत कन्या हूँ, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह मुझे पकड़कर कैद खाने में डाल दें। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ भाग आई और रास्ते में आप मिल गए। गौतम बुद्ध बोले, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से की जाती है। जिस लड़की के मधुर गीत को आपने सुना और पसंद किया और उसे पुरस्कार भी दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजरों में यह लड़की नहीं, आप अछूत हैं। वैशाली का राजा यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उन्होंने गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसान जाति के आधार पर इंसान को तोलते हैं, वो खुद सबसे बड़े अछूत हैं। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि सोच से। इसी तरह की कथाएं देखने के लिए और सभी गुरुओं की साखी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलिएगा।